यूडीआई ने एक नया नियम जारी किया है जिसके तहत आपको अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाने होंगे। अगर आप सीमित समय तक अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट नहीं करवाते हैं अपने आधार में, तो जितनी भी सुविधाओं का लाभ अपने आधार कार्ड से आप उठा रहे हैं सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई पेंशन पा रहे हैं, कोई किसान सम्मान निधि पा रहे हैं, किसी भी सुविधा का आप लाभ उठा रहे हैं आधार कार्ड के द्वारा, तो सारी सुविधाएं आपकी बंद कर दी जाएंगी। इस वीडियो में आप किस प्रकार से अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। अपडेट करने के लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। कंप्लीट देखने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है माई आधार। जैसे आप यहां पे सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहां पे आप नीचे जाने के बाद देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपडेट। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे देखेंगे व्हाट टू सबमिट। यहां से आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। राशन कार्ड है, वोटर आईडी है, गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी कार्ड है, सर्टिफिकेट है, इंडियन पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नजर आएंगे। कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप उसमें अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। नीचे कैप्चा कोड, आपको ये वाला जो कैप्चा कोड आपको यहाँ पे टाइप कर देना। उसके बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, 6 अंकी ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे लॉग इन कर देना है। आपके सामने देखेंगे यहाँ पे सर्विस का जो ऑप्शन है खुल के आ जाएगा, डॉक्यूमेंट अपडेट, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने देखेंगे यहाँ पे डेट नजर आएगा, नीचे आपको जाना, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपकी जो आधार कार्ड की टोटल डिटेल्स आपके सामने नजर आएगी। नीचे यहाँ पे इसकी टर्म एंड कंडीशन है, इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट की जो साइज मांग रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 MB होनी चाहिए। आप इस फाइल को JPEG, PNG और PDF में बना सकते हैं। नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे लिखा प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो यहां से आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास इस समय मौजूद है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद नीचे देखेंगे व्यू डिटेल्स अपलोड डॉक्यूमेंट, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू टू अपलोड। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने फाइल बना के रखा वो फाइल आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपकी ग्रीन एक लाइन आएगी, 100% लिखा हुआ। उसके बाद आप नीचे जाएंगे प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसमें भी आप जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास इसमें से मौजूद होंगे आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वापस आपको ओके करना है। ओके करने के बाद वापस आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। इसके नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसको वापस अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इसको नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पॉपअप खुलेगा, आप इसको यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ओके कर देना है। जैसे आप इस पे ओके करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ सेकंड वेट करने के लिए कहेगा। देखिए वापस यहाँ पे सही का मार्कर लग के आ गया। आप यहां पे देख सकते हैं अमाउंट में, पहले आप देखेंगे ट्रांजेक्शन स्टेटस जो आपका सक्सेसफुल है, पेमेंट डेट टाइम यहां पे आपका टाइम दिखेगा। नीचे आप आएंगे अमाउंट के लिए तो यहां पे 0 अमाउंट आपका, यानी इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाता है, ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप, यहां से आपको इस पे ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप की एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप इसको अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप वापस चेक करना चाहें तो आप इसको कहां से चेक कर सकते हैं, नीचे आप आएंगे आएंगे देखिए यहां पे रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। यहां पे डॉक्यूमेंट आपका किस डेट में सक्सेसफुल हुआ है, वेरिफिकेशन स्टेज में है, ये है। वेरिफिकेशन होने के बाद यहां पे आपको कंप्लीट लिख के आ जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।